हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्राज आईएएस। माय नेम इज शिवानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर सीरीज इंडिया 360 डिग्री। एंड टुडे वी विल बी कवरिंग द स्टेट ऑफ हरियाणा, द होली लैंड वेयर द एपिक बैटल ऑफ महाभारता ऑफ कुरुक्षेत्र हैपेंड। एंड इट वाज दिस सेम लैंड ऑफ हरियाणा वेयर लॉर्ड कृष्णा प्रीच्ड द गॉस्पेल्स ऑफ भागवत गीता टू अर्जुना व्हेन ही वाज फेसिंग एन एथिकल डायलेमा ऑफ वेदर टू रेज आर्म्स अगेंस्ट हिज ओन फैमिली मेंबर्स और नॉट, बिकॉज पांडवाज एंड कौरवाज वर फर्स्ट कजिन्स, राइट। सो नाउ क्विकली लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन। एंड हरियाणा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, हरि एंड अयाना। हरि इज अनदर नेम ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड अयाना मीन्स होम। So Haryana means the abode of God, right? And this state is located in northwest part of India. Right side पे आप India का visual देख सकते हैं, हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे this shaded portion, this is Haryana. India के north, to be precise, India के northwest में, ठीक है। And this state was carved out of formal state of Punjab on 1st November 1966 on linguistic basis. ठीक है, हरियाणा पहला पंजाब का ही पार्ट था। इन 1966 हरियाणा वॉज कार्व्ड आउट ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, ठीक है। इट्स टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इज 44212 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा। फरीदाबाद इन नेशनल कैपिटल रीजन इज द मोस्ट पॉपुलस सिटी ऑफ द स्टेट। हरियाणा ऑफिशियल लैंग्वेज इज हिंदी, रीजन बींग बिकॉज 90% ऑफ स्टेट्स पॉपुलेशन आर हिंदूस। स्टेट्स सेकेंड लैंग्वेज इज पंजाबी, बिकॉज आफ्टर पंजाब हरियाणा में ही सबसे ज्यादा सिख देखने को मिलते हैं, इसलिए पंजाबी को सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया गया है इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट दोज फ्यू स्टेट्स विच शेयर बॉर्डर्स विद द स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है। सो हेयर यहाँ पे है हरियाणा, ठीक है। हरियाणा के बिल्कुल नॉर्थ में वी हैव हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के ईस्ट में वी हैव उत्तर प्रदेश, वेस्ट में पंजाब, हरियाणा के साउथ एंड साउथ वेस्ट में वी हैव राजस्थान। सो हरियाणा इज अ लैंड लॉक्ड स्टेट, ठीक है। चार स्टेट्स के साथ इसके बॉर्डर्स टच हो रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड पंजाब। एंड कीप दिस इन माइंड के हरियाणा का जो ईस्ट वाला रीजन है, यहाँ से यमुना रिवर फ्लो करती है एंड दिस रिवर डिमार्केट्स द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट मैप। हरियाणा में टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट इज पंचकुला, सदर्न मोस्ट इज मेवात। हरियाणाज ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट इज यमुनानगर, वेस्टर्न मोस्ट इज सिरसा। हरियाणा में टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नदर्न मोस्ट पंचकुला, सदर्न मोस्ट मेवात, ईस्टर्न मोस्ट यमुनानगर एंड वेस्टर्न मोस्ट इज सिरसा, ठीक है। अब बात करते हैं कि किन किन स्टेट्स के साथ ये डिस्ट्रिक्ट्स टच हो रहे हैं। तो हेयर वी हैव, यहाँ पे नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे वी हैव हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हरियाणा के जो ये वाला सारा रीजन है, सिरसा से स्टार्ट होके ये वाले सारे डिस्ट्रिक्ट्स पंचकुला तक, यहाँ पे वी हैव पंजाब। ईस्टर्न में यमुनानगर से स्टार्ट होके ये वाले सारे रीजन्स मेवात तक, हेयर वी हैव उत्तर प्रदेश। और जो ये वाला रीजन है, दिस रीजन, यहाँ पे है दिल्ली। वेस्ट में यहाँ पे वी हैव राजस्थान। सिरसा से स्टार्ट होके यहाँ से, सिरसा से स्टार्ट होके ये वाले सारे डिस्ट्रिक्ट्स टिल मेवात, यहाँ पे राजस्थान है, ठीक है। एंड हरियाणा का अगर फिजिकल ज्योग्राफी की बात की जाए तो चार पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं। शिवालिक हिल्स है सबसे पहले हरियाणा के बिल्कुल नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, ये पंचकुला वाला सारा रीजन, यहाँ पे है शिवालिक हिल्स। शिवालिक हिल के फुट हिल्स पे आ जाते हैं एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल है यहाँ पे, एलुवियल प्लेन्स है फुट हिल्स पे, जो ये शिवालिक रेंजेस है इनके फुट हिल्स पे ये वाला सारा रीजन, दिस एंटायर रीजन, ये वाला सारा रीजन यहाँ पे है एलुवियल प्लेन्स। बहुत ही फर्टाइल रीजन है, ठीक है, बिकॉज जो ये एलुवियल प्लेन्स है ये बने ही हैं बिकॉज यहाँ पे जो भी रिवर्स फ्लो करते हैं, वो जो भी मटेरियल लेके आती है उनसे, जो एलुवियल प्लेन्स है उनकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और हरियाणा में
ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की जाए तो ये एलुवियल प्लेन वाला जो सारा रीजन है वहीं पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट, सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स इसी रीजन को मिले थे, ठीक है। एंड हेयर यहाँ पे वी हैव अरावली, अरावली हिल्स, जो ये भवानी महेंद्रगढ़ रेवाड़ी वाला सारा रीजन है, हेयर वी हैव अरावली हिल्स। और जो ये राजस्थान के साथ जिन भी डिस्ट्रिक्ट्स के बॉर्डर्स टच हो रहे हैं राजस्थान के साथ, सिरसा से स्टार्ट होके हेयर वी हैव सेमी एरिड रीजन, सेमी एरिड रीजन जिस रीजन के बॉर्डर्स राजस्थान के साथ टच हो रहे हैं, ऑल्सो नोन एज बागर रीजन, ठीक है। नेक्स्ट नाउ विल टॉक अबाउट फ्यू रिवर्स दैट फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ हरियाणा। सबसे पहले घग्गर, मारकंडा, तंगरी, चौतांग, दोहान, कृष्णावती, यमुना, साहिबी, ठीक है। नाउ कीप दिस इन माइंड क्योंकि आपको इस तरीके से याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं और कहाँ जा रही हैं। तो जो ये चार रिवर्स हैं दीज ओरिजिनेट फ्रॉम शिवालिक हिल्स, घग्गर, मारकंडा, तंगरी एंड चौतांग। जो ये रिवर्स है ये शिवालिक हिल्स से ओरिजिनेट हो रही है और हरियाणा में, बिकॉज जो हमने शिवालिक हिल्स की बात की थी प्रीवियस स्लाइड में भी, वो हरियाणा के बिल्कुल नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में है, दैट मीन्स पंचकुला एंड यमुनानगर वाला रीजन। तो जो ये रिवर्स है ये एंटर करेंगी हरियाणा में थ्रू दोज रीजन्स ओनली, ठीक है। एंड देन वी हैव जो रिवर्स अरावली हिल्स से ओरिजिनेट हो रही हैं, दोहान, कृष्णावती एंड साहिबी। दीज रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम अरावली हिल्स, अरावली हिल्स हरियाणा के बिल्कुल साउथ वेस्ट वाले रीजन में है। तो जो ये रिवर्स हैं ये हरियाणा के जो साउथ वेस्ट वाले एरियाज हैं, मेवात, रेवाड़ी वाले एरियाज, वहाँ से एंटर होंगी हरियाणा में, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट यमुना रिवर, जो ये रिवर है दिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम बंदरपूच ग्लेशियर उत्तराखंड, वेरी इंपॉर्टेंट। यमुना रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम बंदरपूच ग्लेशियर उत्तराखंड। नाउ विल टॉक अबाउट इन रिवर्स पे कुछ जो डैम्स बने हुए हैं, घग्गर पे है ओत्तू डैम, मारकंडा बैराज एट जल बहेरा इन कुरुक्षेत्र, उसके बाद है दोहान, दोहान रिवर पे है हामिदपुर चेक डैम, कृष्णावती रिवर पे है नुराना चेक डैम, यमुना पे वेरी इंपॉर्टेंट हथनी कुंड बैराज। यमुना रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम बंदरपूच ग्लेशियर उत्तराखंड और इस पे जो डैम है दैट इज हथनी कुंड बैराज, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट साहिबी रिवर ओरिजिनेट हो रही है अरावली हिल से और इस पे जो डैम है दैट इज मसानी डैम, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट सिंबल्स, हरियाणा स्टेट ट्री इज पीपल ट्री, स्टेट एनिमल इज ब्लैक बक, स्टेट फ्लावर इज लोटस, स्टेट बर्ड ब्लैक फ्रैंकोलिन। आई रिपीट, स्टेट ट्री है पीपल, स्टेट एनिमल ब्लैक बक विच इज ऑल्सो नोन एज एंटीलोप सर्विकेपरा, वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये स्टेट सिंबल्स हैं इनके साइंटिफिक नेम्स भी याद करने हैं, स्टेट एनिमल इज ब्लैक बक, उसका साइंटिफिक नेम है एंटीलोप सर्विकेपरा, स्टेट फ्लावर इज लोटस, इसका साइंटिफिक नेम है नीलम्बो न्यूसीफेरा, एंड स्टेट बर्ड इज ब्लैक फ्रैंकोलिन, ठीक है। नेक्स्ट नाउ विल टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा। सो हरियाणाज हिस्ट्री इज एज ओल्ड एज इंडस वैली सिविलाइजेशन, बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन की द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट इज राखी गढ़ी, राखी गढ़ी दैट इज लोकेटेड इन दिस स्टेट ऑफ हरियाणा इन हिसार, ठीक है। और उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आती है वैदिक एज, वैदिक एज वो एज है जब आर्यंस का अराइवल हुआ था इंडिया में, ठीक है। और वैदिक एज में जो ट्राइबल टेरिटोरियल वॉर्स हुई थी उसके बाद जो सारा रीजन था वो छोटे छोटे महाजनपदास में बन गया था, एंड उनमें से वन ऑफ द महाजनपदा वॉज कुरु, जहाँ पे द एपिक बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र हैपन, ठीक है। एंड नेक्स्ट जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म सिक्स्थ सेंचुरी बीसी, जब जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का इंडिया में अराइवल हुआ, ओरिजिन हुआ,
तो जो हरियाणा वाला रीजन है वहाँ पे भी हमें जैनिज्म और बुद्धिज्म के सिंबल्स देखने को मिले, जो जैन तीर्थंकरस थे उनके हमें आर्टिफैक्ट्स इस रीजन में, हरियाणा वाले रीजन में देखने को मिले, दैट बिलोंग टू 6th century BC। ठीक है, और उसके बाद राइज ऑफ गुप्तास, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 3rd and 4th century AD एंड आफ्टर दैट इन 7th century AD पुष्यभूति डायनेस्टी का ओरिजिन हुआ इंडिया में। ठीक है, और उनके पुष्यभूति डायनेस्टी के जो एक मेजर रूलर थे वो थे हर्षा। ठीक है, एंड ही इज कंसिडर्ड टू बी द लास्ट हिंदू किंग ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो उन्होंने इंडिया का जो नॉर्थ इंडिया वाला सारा रीजन था वो कॉन्कर कर लिया था, एंड ही मेड थानेसर दैट इज प्रेजेंट डेज कुरुक्षेत्र। थानेसर जो हर्षा थे उनकी कैपिटल थी, हर्षा की कैपिटल थी थानेसर। एंड आफ्टर दैट इंडिया में हुआ अराइवल ऑफ इस्लाम। तो अराइवल ऑफ इस्लाम वो भी सेंट्रल एशिया की तरफ से, जो पंजाब हरियाणा वाला सारा रीजन है वहीं से हो रहा था। तो इस्लाम का भी अराइवल और उसके डाउनफॉल, वो सारा जो सीक्वेंस था वो भी हरियाणा जो रीजन है उसने फेस किया। और उसके बाद इस्लाम के बाद जो बैटल ऑफ तरेन 12th century AD में जो बैटल ऑफ तरेन थी वो भी इसी रीजन में हुई थी। बैटल ऑफ तरेन ये पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घोरी के बीच हुई थी, एंड दिस बैटल वाज आल्सो हैपेंड ऑन दिस सॉइल ऑफ हरियाणा। ठीक है, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत का राइज एंड फॉल भी हरियाणा में फेस किया। दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत का भी राइज एंड फॉल हरियाणा रीजन ने फेस किया। एंड उसके बाद मुगल्स आए इंडिया में, द फर्स्ट मुगल किंग बाबर, उनकी जो पानीपत वाली बैटल थी वो भी हरियाणा में हुई थी। पानीपत जो हरियाणा का ही पार्ट है, तो वहाँ पे हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन बाबर एंड द लास्ट लोधी रूलर, द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, इब्राहिम लोधी। और उसके बाद मुगल्स की सुजरेनिटी इंडिया में बन गई थी। और उसके बाद इसी टाइम के दौरान इंडिया में अराइवल ऑफ ब्रिटिश भी हुआ। ब्रिटिश आए इंडिया में और उन्होंने स्लोली स्लोली इंडिया वाला जो सारा रीजन है इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ दिस रीजन ऑफ हरियाणा वो अपने अंडर कर लिया। एंड 1857 की बैटल हुई, उसके बाद द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। जो 1857 वाली बैटल थी उसमें जो हरियाणा वाला रीजन था दैट वाज वन ऑफ द मेजर नर्व सेंटर्स ऑफ दिस ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। और उसके बाद 1857 की बैटल के बाद क्राउन रूल आ गया था इंडिया में। ठीक है, और उसके बाद स्टार्ट होती है इंडियाज वॉर फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश। इंडिया की ग्रेट बैटल जो ग्रेट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस जो स्टार्ट हुई इसके बाद टिल 1947 जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। और जो ये इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए जो सारी बैटल थी, जो सारा एक्टिविटीज़ हुई, उसमें जो पंजाब हरियाणा वाला रीजन था, जो पंजाब हरियाणा के लोग थे, जो रेवोल्यूशनरीज थे, वो काफ़ी आगे आके उन्होंने पार्टिसिपेट किया फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। अब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, एंड कीप दिस इन माइंड कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस वक्त भी जो हरियाणा है वो पंजाब का ही पार्ट था। ठीक है, तो इसके बाद 1965 में हुकम सिंह कमेटी बनाई गई। जो ये हुकम सिंह कमेटी थी, इन्होंने रेकमेंड किया कि जो पंजाब में जो हिंदी स्पीकिंग पीपल हैं उनको अलग किया जाए पंजाब से और एक अलग स्टेट बनाई जाए। ठीक है, ये रेकमेंडेशन दी थी हुकम सिंह कमेटी ने। एंड एज अ रिजल्ट इन 1966 शाह कमीशन बनाई गई, एंड दिस शाह कमीशन वॉज द वन जिन्होंने पंजाब से हरियाणा को अलग किया, जिन्होंने हिंदी स्पीकिंग जो पीपल थे उनको अलग डिमार्केट किया, पंजाब से अलग करके हरियाणा की स्टेट बनाई गई। एंड 1966 में ही जो पंजाब और हरियाणा की जो कैपिटल है आज चंडीगढ़, वो बनाई गई, वो उसको रिकॉग्नाइज किया गया कि ये पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ वी विल टॉक अबाउट द पॉलिटी ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है,
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज जहाँ पे दो तरीके के एग्जीक्यूटिव होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव. रियल एग्जीक्यूटिव आर चीफ मिनिस्टर एंड इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इज गवर्नर ऑफ स्टेट. ठीक है, तो हरियाणा में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, दैट मीन्स हरियाणा में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, और उस लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल 90 सीट्स है. हरियाणा से लोकसभा में 10 सीट्स और राज्यसभा में 5 सीट्स जाती हैं. ठीक है, हरियाणा में कुछ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज की बात की जाए तो बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INLD और कुछ स्मॉलर पार्टीज जैसे कि BSP एंड JJP, ये है जो एट प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी की गवर्नमेंट है इन अलायंस विद JJP. JJP के लीडर है दुष्यंत चौटाला, हु इज़ द प्रेजेंट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट ऑफ हरियाणा, और हरियाणा के जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं वो है मनोहर लाल खट्टर. ठीक है, एंड एक और चीज़ हरियाणा में जो बहुत इंपॉर्टेंट है हरियाणा की पॉलिटी को समझने के लिए, तो द डायनेस्टिक पॉलिटिकल क्लैंस ऑफ हरियाणा आर ऑफन क्रिटिसाइज फॉर देयर इनफेमस सेल्फ सर्विंग पॉलिटिक्स ऑफ आयाराम गयाराम. दैट मीन्स के वो पावर में आने के लिए दे मेक ऑल द अनहोली एंड अनएथिकल अलायंसिस जस्ट टू गेट इन टू पावर. ठीक है, और कभी कभी ये भी होता है कि उनकी आइडियोलॉजीज भी सिमिलर नहीं होती, स्टिल दे गेट दे कम इन टू अलायंस एंड टू फॉर्म गवर्नमेंट इन दिस स्टेट ऑफ हरियाणा. ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लेक्स हरियाणा में. इम्पॉर्टेंट लेक सबसे पहली है बदखल लेक फरीदाबाद में, ब्रह्म सरोवर लेक कुरुक्षेत्रा में, करना लेक करनाल में, सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्रा में, सूरजकुंड लेक फरीदाबाद में. सूरजकुंड लेक ऑल्सो नोन एज लेक ऑफ द सन, एंड दिस सूरजकुंड लेक दिस वॉज बिल्ट बाय सूरजपाल और तोमर डायनेस्टी रूलर फ्रॉम 10th century. जो ये सूरजपाल है ये 10th century से बिलोंग करते हैं. तिलियार लेक इन रोहतक, ब्लू बर्ड लेक इन हिसार. ठीक है, बदकल लेक, ब्रह्म सरोवर, करना लेक, सन्हित सरोवर, सूरजकुंड लेक, तिलियार लेक एंड बर्ड ब्लू लेक. ठीक है, नेक्स्ट नाउ विल टॉक अबाउट द फौना एंड फ्लोरा ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा. सो हरियाणा इज वेरी रिच व्हेन इट कम्स टू इट्स फ्लोरा एंड फौना. देर आर हार्डली एनी हिल ट्रैक्स इन हरियाणा एक्सेप्ट अ फ्यू इन पंचकूला डिस्ट्रिक्ट. पंचकूला में कुछ हिली रीजन्स है, उसके अलावा हरियाणा में हिली एरियाज नहीं है. जो मोरनी हिल्स हैं हरियाणा में बस वही है, हिली रीजन है हरियाणा का जो पंचकूला के पास लोकेटेड है. और हरियाणा की अगर मेजर हाईएस्ट पॉइंट की बात की जाए तो करो पीक हरियाणा का हाईएस्ट पॉइंट है विच इज़ अ पार्ट ऑफ शिवालिक हिल्स. ठीक है, स्पीशीज की बात की जाए, फॉनल स्पीशीज की बात की जाए तो ब्लैक बक, नीलगई, पैंथर, फॉक्स, मैंगूज, ये कुछ मेजर स्पीशीज है हरियाणा में. हरियाणा हैज़ 2 नेशनल पार्क्स, 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 2 वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एरियाज, 5 एनिमल एंड बर्ड ब्रीडिंग सेंटर्स एंड 1 डियर पार्क एंड 3 जूज. नेशनल पार्क्स हरियाणा में 2 हैं, एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम के पास, विच इज़ अ मेजर बर्ड पैराडाइज फेमस फॉर इट्स माइग्रेटरी एज वेल एज रेजिडेंट बर्ड्स. नेक्स्ट इज कालेसर नेशनल पार्क यमुनानगर में, विच इज़ वेरी मच फेमस फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी एंड इट इज़ ऑल्सो अ स्टोर हाउस ऑफ न्यूमरस मेडिसिनल प्लांट्स एंड थ्रेटन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स. 2 नेशनल पार्क्स हैं सुल्तानपुर एंड कालेसर. ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट फ्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा. हरियाणा में टोटल 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं. सबसे पहले भिंदावास एंड खपरवास, दोनों ही झज्जर में है, भिंदावास एंड खपरवास. नेक्स्ट इज नहार रेवाड़ी में, चिलचिला कुरुक्षेत्रा में, कालेसर हमने प्रीवियस स्लाइड में भी बात की थी यमुनानगर में लोकेटेड है. नेक्स्ट इज अबूब शहर सिरसा में, खोली रायता एंड बीर शिकरगा, दोनों ही पंचकूला में है. हरियाणा में टोटल 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, भिंदावास, खपरवास, नहार, चिलचिला, कालेसर, अबूब शहर, खोली रायता एंड बीर शिकरगा. ठीक है, नेक्स्ट नाउ विल टॉक अबाउट द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा. सो हरियाणाज लैंड इज प्राइमरली एंड एग्रेरियन सोसाइटी. ठीक है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स व्हेन इट कम्स टू फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया एंड विच इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन्स के हरियाणा को ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है इंडिया का. मेजर क्रॉप्स है हरियाणा में राइस, व्हीट, शुगर केन, ऑयल सीड्स एंड कॉर्न्स. कैश क्रॉप्स है
cotton, bajra, sesame, groundnut. And Haryana is one of those few states that has significantly contributed to India's Green Revolution of 1960s. And also Haryana is one of those few states that has been a major beneficiary of Green Revolution as well. ठीक है, तो which is one of the major reasons के Haryana produces a quarter of India's wheat and one third of India's milk. ठीक है, Haryana's 75% geographical area is irrigated. And also Asia's biggest agricultural university, Chaudhary Charan Singh University, is located in Hisar, Haryana. ठीक है, now we'll talk about the एग्रीकल्चर के बाद इकोनॉमी की जो इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर है हरियाणा का, उसके बारे में बात करेंगे. सो हरियाणा की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो हरियाणा के लिए हमेशा से बहुत ही एडवांटेज रही है हरियाणा के लिए उसके ज्योग्राफिकल लोकेशन की, बिकॉज वन थर्ड ऑफ स्टेट्स एरिया इज अंडर NCR, विच इज़ अ प्रोमिनेंट ट्रेड एंड कंजम्पशन सेंटर एंड विच इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ द स्टेट. ठीक है, मिनरल्स की बात की जाए हरियाणा में, कोल, डोलोमाइट, फेल्डस्पार, आयरन और लाइमस्टोन. कोल, डोलोमाइट, फेल्डस्पार, आयरन और एंड लाइमस्टोन. इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर, तो प्राइमरीली कंज्यूम्स मैन्युफैक्चरिंग, रिटेलिंग एंड आईटी. जो गुरुग्राम वाला रीजन है हरियाणा का वो आईटी हब है. ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो ऑटोमोबाइल्स, हरियाणा इज अ हब ऑफ ऑटोमोबाइल्स. उसके बाद सैनिटरी वेयर, हैंडलूम्स, पानीपत. जो पानीपत के हैंडलूम्स हैं दोज आर फेमस ऑल ओवर द ग्लोब. उसके बाद ग्लोबल कंटेनर इंडस्ट्री एंड गैस स्टोव इंडस्ट्री एंड हरियाणा इज वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ बासमती राइस एज वेल. तो टुडे वी हैव डन हरियाणाज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी एंड टुडे विल बी कवरिंग आर्ट एंड कल्चर ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा. सो दैट इज इट फॉर द डे. थैंक यू.